हेलो एवरीवन, वेरी गुड एंड फर्स्ट गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए से शॉर्ट वीडियो में। और शॉर्ट वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों को ले चलता हूँ समुंदर में। तो समुंदर में आज लहरें उठ नहीं रही हैं, काफ़ी स्मूथ है समुंदर, और कुछ शिप्स वगैरह भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। ये देख सकते हैं भाई, आज थोड़ा बहुत ज़्यादा प्यारा सुंदर सा नज़ारा आप सभी लोगों के लिए। ये देखो, ये है समुंदर, दुबई का समुंदर दिखाने को रह गया था, वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया आज। देखो एक सिप वहाँ पे, ये ऑयल वाली सिप है जो होता है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तेल वगैरह आता है, तो वो है ये। और इस साइड को भी देख लो आप, ये तो आई होप इस वाले ब्यूटीफुल से नज़ारे ने आप लोगों का भी दिन बना लिया होगा। मेरा तो बना लिया। देखो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली लोकेशन यार, आपसे सच्ची में बोलूं, बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है मुझे ये। और एक दिन बिल्कुल नज़दीक जाना है मुझे वहाँ पे समुंदर के, और वहाँ से आप लोगों के लिए शूट करूँगा। और वहाँ पर भी एक सिप जा रही है देखो। तो ये है भाई दुबई का समुंदर, और दुबई के हाईवे पे आते हैं। अब आप लोगों को दिखाते हैं खिलौने। अरे खिलौने ही लग रही है ये गाड़ियाँ देखो, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा हाइट पे हूँ ना यार। और यहाँ से देखो कितने हाईवे भी कितने देखो ब्यूटीफुल हैं, जो हमारे इंडिया में बोलते हैं ना चौक। देखो राउंड राउंड में कैसे घूम रही है गाड़ी, राउंड पूरा राउंड लगा के, सर्कल लगा के फिर इस साइड को आ रही है देखो। और आप दौड़ेगी ये गाड़ी। और यहाँ पे देखो पार्किंग सबसे बेस्ट है यार दुबई में, कितने अच्छे से लगाते हैं, कितने मैनर्स के साथ लगाते हैं यार ये पार्किंग, ताकि किसी भी बंदे को कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। और ये इसलिए भी है भाई क्योंकि यहाँ पे बंदों को डरा के रखा हुआ है कि अगर आप ढंग से नहीं लगाओगे तो फिर भाई फाइन से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पे फाइन से बहुत ज़्यादा डरते हैं बंदे, क्योंकि फ़ाइन भी बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, एक्सपेंसिव कॉस्टली है। इंडिया का लगा लो भाई 10 से 15 हज़ार का फाइन लग जाएगा आपको। और ये मेट्रो जा रही है, ये जा रही है मेट्रो। देखो कितना बढ़िया सुंदर है यार, पूरा का पूरा नज़ारा, ब्यूटीफुल सा सुंदर सा नज़ारा आप सभी लोगों के लिए। और यार जो मैंने माइक लिया हुआ है ना यार, उससे साउंड कभी कभी ना कभी ज़्यादा आवाज आती है, कभी कम आती है। मतलब मैंने चीप प्राइस पे लिया हुआ है वो, क्योंकि दूसरा जो रोड वगैरह का है काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा था, तो बजट से बाहर जा रहा था। लेकिन अभी बहुत ही जल्द मैं ले लूँगा रोड वाला वो, फिर आप सभी लोगों के लिए जो वॉइस का जो है प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो जाएगी जल्दी। तो ये बातें थी कुछ यार, बाकी आप लोगों के साथ बातचीत हो जाती है, आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ अपनी चीज़ें, थोड़ा सा ऐसा होता है दिल हल्का भी हो जाता है, क्योंकि अपने इंडिया को छोड़ के आए हैं, अपने परिवार को छोड़ के आए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब किसी के साथ अपनी चीज़ें शेयर हो जाए ना, तो वो भी सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि यहाँ अब्रॉड में पता क्या है, अब्रॉड में यार कोई मतलब आपका सच्चा साथी नहीं है, जो भी आपके साथ मतलब थोड़ी देर के लिए भी घुल मिल रहा है ना, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई अटेंशन है उसकी, तभी वो आपके साथ है। और मतलब वो वाला फीलिंग नहीं आएगी आपको अब्रॉड में कि हाँ यहाँ पे आपका कोई एकदम से ही सच्चा साथी बन जाएगा। और फ्रेंड सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रेंड भी भाई मतलब से बनते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो भी चीज़ करनी है, आपने एक पानी का गिलास भी लेना है ना भाई, वो भी आपको अपने बलबूते पे ही लेना है। कोई किसी का साथ नहीं देता यहाँ पे, कोई किसी की हेल्प नहीं करता यहाँ पे, ये अब्रॉड की सच्चाई है। बाकी हाँ, अब्रॉड में भाई आपका लाइफ स्टैंडर्ड जरूर चेंज हो जाता है, लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, हर चीज़ मतलब पैसा भी बन जाएगा आपका, हर एक चीज़ हो जाएगी। लेकिन इंडिया की तरह आप सोचें ना कि हाँ जैसे
घर में मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे चाय बनाओ, ये करो वो करो, तो उन चीजों को भूल जाइएगा भाई। अगर स्ट्रगल कर सकते हो तभी यहाँ पे आइएगा। स्ट्रगल इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, जैसे आपको भाई हाँ ये तो ये सो वो भाई आपको कोई यहाँ पे खेतों में लगा देगा, कढ़ाई करने के लिए लगा देगा। यार आपका लाइफ स्टैंडर्ड सच्ची में बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, एक हाई स्टैंडर्ड हो जाता है अब्रॉड में। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि जो डिपेंड है ना, मतलब जैसे जो गंदी आदतें पड़ी हुई होती है कि घर वालों को बोला कि मुझे चाय बनाओ, मुझे इस टाइम पे खाना दो मतलब थाली में, तो वो नहीं होगा, वो खुद ब खुद मैनेज करनी पड़ती है, अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, वो सारी सारी चीज़ें हैं। बाकी हाँ मैंने ये चीज़ एग्जामिन की कि अभी देखो जैसे मैं हिमाचल की ही बात करता हूँ, तो हिमाचल में चला हुआ है अभी आचार संहिता लग गई है, तो जिन भाइयों ने जो तैयारी कर रहे हैं भाई, तो वो यार तैयारी करते ही रह गए हैं अभी तक, और अब पता नहीं कब वैकेंसीज निकलेगी, कब वो एग्ज़ाम देंगे, तो ये चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब को अब उस लेवल पे नहीं देखता हूँ। हालांकि हाँ रिस्पेक्ट जरूर करता हूँ गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए बंदे तैयारी कर रहे हैं, हाँ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं बंदे यार, लेकिन फिर भी मतलब सरकार को भी देखना चाहिए, उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए चीज़ें कि वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब अब आपका चल पड़ा, अब आचार संहिता है जी, अब इलेक्शन आ गए, अब वो है, तो इस तरह से मतलब साल दर साल मतलब उनके ख़राब होते जा रहे हैं। तो तब जाके मैंने भी ये चीज़ें देखी, तो तब जाके मैंने बाद में डिसाइड किया कि नहीं यार चलो चलते हैं बाहर ही, और बाहर जाके अपना करियर बनाते हैं। तो ऐसा है, आप सभी लोग भी आए यार, बहुत अच्छी लाइफ होती है अब्रॉड में, और साथ के साथ आप पैसा भी कमाते हो, अपना नेम एंड फेम भी आपका बढ़ जाता है, हर एक चीज़ हो जाती है यार अब्रॉड में, आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। बाकी हाँ अपने आप को चेंज मत करें, आप जैसे इंसान हैं वैसे के वैसे बने, और अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स उन सभी की रिस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आगे चाहे मतलब हाँ सैलरी वगैरह तो ऑब्वियसली बात है अच्छी मिलेगी यहाँ पे आपको, तो उन अपने साथियों को भूल जाएं, अपने पेरेंट्स को भूल जाएं, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो बाकी फ़िलहाल ये इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी अब पूरा का पूरा ये आप लोगों को सैर घुमा दिया समुंदर के साथ साथ, तो चलो करता हूँ यहीं पर ही एंडिंग। आप बोलेंगे कि भैया एक ही जगह पे खड़ा होकर यार वीडियो बना दिया, लेकिन थोड़ा सा आज यार दिल को मेरे को सुकून भी मिला, बहुत सारी बातें मैं करना चाहता था आप सभी लोगों के साथ। बाकी आप लोगों को वैसे मैं ऑलरेडी बताया हुआ है कि प्लीज़ यार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं लाइव कब आऊँ आप लोगों के साथ, खूब सारी बातें करना चाहता हूँ दिल खोल के। तो चलो अब मिलेंगे बाद में ही आप सभी लोगों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। المحطة القادمة هي المركز المالي. The next station is.